दोस्तों, काल भैरव में काशी में स्थापित होने के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पीछे चर्चा छिड़ गई कि दोनों में बड़ा कौन है। चर्चा के बीच शिव जी का जिक्र आने पर ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने शिव जी की आलोचना कर दी, जिससे शिव बहुत क्रोधित हुए। उसी क्षण भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी कारण काल भैरव को शिव का अंश कहा जाता है। काल भैरव ने शिव जी की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। अब यह मुख उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है और इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से काल भैरव तीनों लोगों की यात्रा पर चल दिए। उनके जाते ही शिव जी की प्रेरणा से एक लंबी कन्या प्रकट हुई, एक तेजस्वी कन्या जो अपनी लंबी जीभ से कटोर से रक्तपान कर रही थी। यह कन्या कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्म हत्या थी। इसे शिव जी ने काल भैरव के पीछे छोड़ दिया। शिव जी के कहने अनुसार भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तीनों लोग की यात्रा कर रहे थे और वह कन्या भी उनका पीछा कर रही थी। फिर एक दिन जैसे ही काल भैरव बाबा काशी में प्रवेश किया, कन्या पीछे छूट गई। शिव जी के आदेश अनुसार काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी शिव की नगरी है। यहाँ बाबा विश्वनाथ के रूप में नगर के राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काल भैरव के पाप से मुक्ति होते ही शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को यहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। शिव जी ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। शिव प्रेरणा से जिस स्थान पर काल भैरव रह गए, वहां बाद में काल भैरव का मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के मंदिर दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और इसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।